मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले बहुत ही अमेजिंग पावर बैंक Xiaomi की तरफ से, जो है मी हाइपरसोनिक पावर बैंक, जो यहाँ पे आती है 20,000 मिली एम्पायर कैपेसिटी के साथ। सो गाइस, ढेर सारे मार्केट में पावर बैंक है जो आपको 20,000 मिली एम्पायर की कैपेसिटी ऑफर करते हैं, बट गाइस इस पर्टिकुलर पावर बैंक में आपको 50 वॉट्स का आउटपुट देखने मिलता है। एंड यस गाइस, मार्केट में जितने भी सारे पावर बैंक है ना, वो ऑन एन एवरेज आपको 18 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट गाइस ये जो पर्टिकुलर पावर बैंक है ना, 50 वॉट्स का सपोर्ट देता है। तो आप इसकी हेल्प से लैपटॉप, मोबाइल फोन बहुत ही अमेजिंग स्पीड से यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। सो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, आजकल हम लोग फेसबुक पे भी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी मिल जाएगा, जरूर जाके फॉलो कीजिए। सो गाइस, ये है मी पावर बैंक हाइपरसोनिक का बॉक्स पैकेजिंग, जहाँ पे इसकी कैपेसिटी है 20,000 मिली एम्पायर की, 50 वॉट्स के आउटपुट के साथ ही आता है। एंड यहाँ पे ये 45 वॉट्स का लैपटॉप चार्जिंग सपोर्ट करता है, 45 वॉट्स का हाइपरसोनिक चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्मार्ट पावर मैनेजमेंट भी देखने मिलता है। एंड बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको इसका आउटपुट एंड कई सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेंशन किए हैं। तो जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वो एक्चुअल पावर बैंक आपको देखने मिलती है। एंड यहाँ पे कम्प्लीटली मैट ब्लैक फिनिश उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया है। एंड इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हैवी है पावर बैंक यहाँ पे फील होता है, तो इसे फिलहाल हम रखते साइड में। एंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक टाइप सी टू टाइप सी केबल भी प्रोवाइड की है। तो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे इस पावर बैंक के बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे उन्होंने पॉलीकार्बोनेट मटेरियल इसके अंदर प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपको इसके ऊपर मैट ब्लैक फिनिश देखने मिलता है। आगे की तरफ यहाँ पे Xiaomi की ब्रांडिंग उन्होंने प्रोवाइड की है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे उसका पावर बटन आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे उन्होंने ट्रिपल पोर्ट सेटअप प्रोवाइड किया, जहाँ पे आपको दो USB टाइप ए पोर्ट देखने मिलते हैं एंड एक USB टाइप सी पोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है। उसी के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको LED लाइट इंडिकेटर भी देखने मिलते हैं। एंड पावर बैंक के नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने इसके इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी मेंशन किए हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो पावर बैंक की बिल्ड है ना, बहुत ही बढ़िया निकल के आती है। एंड फिर हम बात करेंगे इसके आउटपुट पावर की। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रिपल पोर्ट सेटअप इसमें प्रोवाइड किया है। सो गाइस, यहाँ पे जो टाइप ए पोर्ट है ना, दोनों भी टाइप ए पोर्ट, उसमें आपको 22.5 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग देखने मिलता है। एंड यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है ना, उसमें आपको 50 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग देखने मिलता है। एंड यस, अगर आप टाइप ए पोर्ट, दोनों भी टाइप ए पोर्ट्स को साइमल्टेनियसली यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, तो आपको 15 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे देखने मिलेगा। सो यस, यही था इसका कुछ आउटपुट। एंड अभी टाइम है इसे टेस्ट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मी 11X प्रो स्मार्टफोन के साथ इसे कनेक्ट किया था। एंड यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फास्ट चार्ज हो रहा है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 5 minutes में कंप्लीट फोन यहाँ पे चार्ज हो जाता है। एंड यहाँ पे स्मार्टफोन्स के लिए ये 50 वॉट्स का आउटपुट देता है। सिमिलरली यहाँ पे हमने आईफोन के साथ भी इसे कनेक्ट किया था, एंड आईफोन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे चार्ज हो जाता है। सो यस गाइज, यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स वाला पार्ट है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से ये चार्ज कर लेता है। आजकल जितने भी सारे स्मार्टफोन्स है ना, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, एंड स्मार्टफोन को ये 50 वॉट्स के पावर के साथ चार्ज कर पाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड गाइज, अभी टाइम है लैपटॉप के साथ इसे टेस्ट करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैकबुक के साथ इसे कनेक्ट किया था, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैकबुक है वो चार्जिंग पे प्लग इन हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पे हमने एक विंडोज लैपटॉप के साथ भी इसे टेस्ट किया, एंड यहाँ पे जो विंडोज लैपटॉप है ना, वो भी यहाँ पे चार्ज हो जाता है। हालांकि गाइज, जो लैपटॉप वाला पार्ट है ना, वो इतने फास्टली चार्ज नहीं होगा, क्योंकि 45 वॉट्स का आउटपुट है एंड लैपटॉप को यूजुअली 65 वॉट्स के पावर चार्जिंग ब्रेक लगते हैं। बट जी हाँ गाइज, ऑन द गो आपका लैपटॉप स्विच ऑफ नहीं होगा, ये पर्टिकुलर पावर बैंक लैपटॉप को कंटिन्यूसली पावर ऑन रखेगा। सो गाइज, ये बहुत ही बढ़िया बात है इस पर्टिकुलर पावर बैंक की। एंड गाइज, अगर मैं लो पावर डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ ना, जैसे कि स्मार्ट वॉच, तो यहाँ पे मी रिवॉल्व एक्टिव स्मार्ट वॉच को भी हमने प्लग इन किया था, एंड ये भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से चार्जिंग पे लग चुका है। सो गाइज, जो लो पावर डिवाइसेस होते हैं ना, उसे भी डायरेक्टली आप इस पावर बैंक की हेल्प से चार्जिंग पे प्लग इन कर सकते हो। एंड गाइज, बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे कि यार 20,000 मिली एम्पायर कैपेसिटी है, तो इसका चार्जिंग टाइम बहुत ही ज्यादा होगा। सो गाइज, ये जो पर्टिकुलर पावर बैंक है ना, ये भी 45 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है। सो जैसे आप चार्जिंग पे इसे प्लग इन करोगे ना, अप्रॉक्सीमेटली 3 hours 50 minutes में कंप्लीट पावर बैंक जो है वो चार्ज हो जाएगा। प्रोवाइडेड गाइज, यहाँ पे अगर आपके पास 45 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रेक होगा, तो ही इतना जल्दी ये फास्ट होगा। बट यस, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी देखने मिलती है इस पर्टिकुलर पावर बैंक में। गाइज, उसके अलावा यहाँ पे आपको पावर प्रोटेक्शन हो गया, या फिर जो टेम्परेचर प्रोटेक्शन है ना, वो सारी चीजें इसमें देखने मिलती है। एंड बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, वो पावर बैंक्स प्रेफर करते हैं लेके जाना। सो आप फॉर श्योर इस पर्टिकुलर पावर बैंक को फ्लाइट्स में भी कैरी कर सकते हो। जी हाँ गाइज, फ्लाइट्स में भी ये पर्टिकुलर पावर बैंक अलाउड है, आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। एंड गाइज, अभी हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग को लेके। सो इसकी जो प्राइस है ना, वो है 3,499 rupees। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे यार पावर बैंक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, बट गाइज 50 वॉट्स का आउटपुट है। एंड यस, अगर आपको इसका सस्ता वाला पावर बैंक चाहिए,
20,000 mAh कैपेसिटी के साथ 18 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग Xiaomi का ही आता है 1600 रुपीज़ में, एंड उससे भी कम वाला चाहिए 10,000 mAh कैपेसिटी जिसमें आपको 22.5 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग देखने मिलता है, वो आपको 1199 रुपीज़ के प्राइस में अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस ये जितने भी सारे पावर बैंक्स हैं ना, सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। एंड यस, ये जो पर्टिकुलर पावर बैंक है ना, ये भी बहुत ही बढ़िया पावर बैंक है 50 वॉट्स के आउटपुट के साथ। सो गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया।